काश तुमने अपनी पत्नी का सुझाव मान लिया होता और यहां नहीं आते। वो तुम्हारे साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहती थी, किंतु अब तुम्हारी अंतिम स्मृतियों को स्मरण करने से भी डरेगी वो। काश तुमने रॉक्सेन की बात मानकर सुलह कर ली होती और खुदा के सामने खड़े होने की जरूरत नहीं की होती। काश तुमने समझा होता पूरन कि खुदा को कोई नहीं मार सकता, बल्कि खुदा सबकी जिंदगी का फैसला करता है। और आज के इस खुदा अलेक्जेंडर का फरमान है कि आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या पोरस और उसकी पूरी फौज मगध से लौट आई? जी मलिका, हमारी फौज की तादाद बहुत कम है मलिका। अब तो सिर्फ यही उम्मीद लगाई जा सकती है कि शाह हालात बिगड़ने से पहले वापस लौट आए। वो वापस नहीं लौटेगा सिर्फ सलाह। मेरी परवरिश ने अलेक्जेंडर के अंदर जो जानवर पाला है वो आज आर पार की लड़ाई लड़ने गया है। पोरस को देखते ही उसके अंदर का वैश्याना जानवर जाग जाएगा, फिर खुदा ही मालिक है। आज के इस युद्ध के समापन के साथ ही तुम्हारा और तुम्हारी यमन सेना का समय भी भारतीय भूमि पर समाप्त। रॉक्सटेन की विनती के लिए मैं तुम्हें एक और अवसर देता हूं अलेक्जेंडर। उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, इसलिए कहता हूं लौट जाओ, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। और आज तुम्हें मैं मारकर अपनी बीवी को यह एहसास दिला दूंगा कि मुझे कमजोर समझकर उसने कितनी बड़ी गलती की। अब मैं आ गया हूं लाची, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मेरे रास्ते से हट जाओ फैस्टियन। माफ कीजिए शाह, लेकिन अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। सिपाहियों, चलो लेके चलो इनको। छोड़ दो मुझे, वरना कत्ल कर दूंगा सबका। तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुमने शाह सिकंदर को रोकने की कोशिश? छोड़ो मुझे।